वेलकम बैक टू बीना ब्लॉग्स। आप सभी प्यारे व्यूअर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मीठा छोड़ के कुछ हटके बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और बहुत ज़्यादा यमी है। आज मैं स्पेगेटी बनाने वाली हूँ। स्पेगेटी सारे लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, इसे अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। इसे हमारे उत्तराखंड में चाउमीन कहते हैं। इसे मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, ये चाइनीज स्टाइल में से तैयार कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, यमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने स्पेगेटी तैयार की है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्पेगेटी तैयार हुई है। चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले एक पैन लेंगे। पैन में मैंने लगभग 2 बड़े गिलास भर के पानी डाला है। पानी गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें स्पेगेटी डालेंगे। स्पेगेटी 500 ग्राम है। इसे हम पानी में अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें कुक करते टाइम ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कुक नहीं हो जाए, सॉफ्ट होने चाहिए। जब सॉफ्ट हो जाते हैं हमें इसे निकालना है, अदरवाइज़ अगर आपने ज़्यादा कुक कर दिया तो चिपचिपे हो जाएंगे। ध्यान रखना है कि हमें कुक करते टाइम बहुत ज़्यादा ही हमें बॉयल नहीं करना है। आप देख सकते हैं इसी कंसिस्टेंसी में हमें इसे कुक करना है। कुक करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि नूडल्स बहुत ज़्यादा बॉयल ना हो जाए। अब हमें दूसरी पैन लेंगे, उसे गर्म कर लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखना है, क्योंकि चाइनीज़ पैन है बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत ही पतली रहती है। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल मैंने इसमें गर्म करने रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है। इसमें 7 पीसेस मैंने गार्लिक के लिए है, जो मैंने लंबे लंबे पीसेस में चॉप किए थे, उसे भी फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखना है वेजिटेबल को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करेंगे। अब साथ में 2 ऑनियन मैंने चॉप किए हैं मीडियम साइज़, इसे भी लंबे पीसेस में चॉप किए हैं, उसे भी फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। हल्का सा फ्राई लगभग कर लिया है हमने। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर लेते हैं। 2 कैप्सिकम मैंने, ये भी मैंने लंबे लंबे पीसेस में चॉप किए हैं, इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। सारे वेजिटेबल को इसी तरह से हमें हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे तो सॉसेस में सॉल्ट ऑलरेडी रहता है, तो हमें जो वेजिटेबल है नूडल्स हैं उसी के हिसाब से हमें इसमें सॉल्ट ऐड करना है। 3 मैंने ग्रीन चिली मीडियम साइज़, जो लंबे लंबे पीसेस में चॉप्ड किए हैं, उसे भी ऐड कर लेते हैं, उसे भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर लेते हैं, और उसी के साथ 1 टेबल स्पून सेजवान चटनी। सॉस, चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप इसको डबल कर लीजिए। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप ऐड कर लेते हैं, और साथ में 1 टेबल स्पून सेजवान सॉस, और उसी के साथ 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस भी ऐड कर लेते हैं। अब वेजिटेबल और सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वेजिटेबल बहुत ज़्यादा कुक नहीं की है, क्योंकि जब भी हम चाइनीज़ बनाते हैं, चाइनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेजिटेबल को कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्का सा हमें फ्राई करना होता है। अब हमने जो नूडल्स निकाले हुए बॉईल करके, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल मिला देंगे। अच्छी तरह से ऑयल को हमें सारे नूडल्स में लगा लेना है, ताकि नूडल्स चिपचिपे ना हों। कई बार ऐसा होता है, नूडल्स अगर ज़्यादा कुक भी हो गए हों गलती से, तो अगर हमने ऑयल मिला दिया तो चिपचिपे नहीं होंगे। अगर आपने ऑयल नहीं मिलाया, डायरेक्ट आप बना देते हैं, तो नूडल्स चिपचिपे भी हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, हमें बॉईल करने के बाद 1 टेबल स्पून ऑयल अच्छी तरह से नूडल्स में मिला लेना है। अब नूडल्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। सारे
जो हमने सॉसेज वेजिटेबल फ्राई किए उसमें नूडल्स ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप लोग देखकर समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत यमी नूडल्स रेडी हो गए हैं। आप नूडल्स की प्लेटिंग के बाद भी सॉस ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी नूडल्स एकदम रेडी हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे। वैसे तो नूडल्स कई तरीके से बनाते हैं, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में से चौमिन के नाम से बनाते हैं लोग। हर होटल्स में चौमिन आपको आजकल मिल जाएगी, तो इसे बनाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैंने रेसिपी आपके साथ ही शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे। आप भी ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे। नूडल्स कैसे बने हैं एक कमेंट करके आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं प्लेट तैयार करती हूँ, आप लोग नूडल्स बनाइए, खाइए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक एक कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। आप नूडल्स खाइए, मैं तब तक एक नई रेसिपी सोचती हूँ। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ में। मेरी पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी प्यारे व्यूअर्स का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी नूडल्स एकदम रेडी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।